I'm a fan of Deadpool. I'm a fan of Thor. I'm a fan of Hulk. I think I just love superheroes. I can see that proudness in his eyes. And we are all like a family. We all like celebrate together. We all just, you know. इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहो तो वो फिर आपकी तरफ आती है. Like when you enter over there, you look around, you're gonna feel that you are into a, UFO के अंदर बैठे हैं. So I was just enjoying it. मैं गिरा भी एक दो बार, like चोट भी आई, but you know, it's I was super excited to do it, so I did it. So I'm Aarti and welcome to Telly Reporter. Okay, Abhishek, you know, to बताइए, Hero Gayab Mode On आ रहा है. कितने excited हो आप फिलहाल अभी? You know, I'm very much excited. मैं तो भी मतलब ऐसा बोलता हूँ, I'm very very excited. ये बहुत ही एक मेरा ना constant reaction हो गया है फिलहाल. कि ऑफ कोर्स मतलब इतनी अच्छी चीज जो आ रही है टीवी पे और जो मुझे मिली है करने के लिए, तो मैं अगर ये नहीं बोलूं कि मैं एक्साइटेड नहीं हूं तो बहुत ही गलत होगा. I'm very, very superbly excited. Okay, you know, Abhishek, जब हम सुपर हीरोज के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली जो थॉट आते हैं वो होते हैं मार्वल के हीरोज, एंड देन अगर इनविजिबल की बात करें तो मिस्टर इंडिया याद आते हैं. तो यू नो, ये हीरो जो आ रहा है वो कितना डिफरेंट है इन सब से, और क्या स्टोरी लाइन में कितना डिफरेंट होगा और क्या कुछ नया लेके आने वाले? जितना हो सके एक रियलिटी टच, एक रियल टच रख सकें इस स्टोरी पे, और जितना हो सके उसको हम रीसेंट टाइम्स की स्टोरी बता सकें. और हमारा शो भी जो हमारी ओपनिंग है दैट इज ऑल्सो 2020, लाइक द स्टोरी कम्स फ्रॉम द पास्ट एंड देन इट बिगिंस इन 2020. और इट्स ऑल अबाउट कि एक जो हम शो बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक कैरेक्टर है हम उससे कितना रिलेट कर सकते हैं. मेरे ख्याल से देखिए, हर स्टोरी में एक शुरुआत होती है और उसका अंत होता है, और हमें प्यार होता है तो उसके सफर से, तो उसी तरह इस स्टोरी में भी हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इस सफर को कितना अच्छा बना सके, इस सफर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको कितना लविंग बना सके, कितना रिलेटेबल बना सके. तो किस तरह से ये ना टफ कंपटीशन होगा, यू नो, मार्वल एंड ऑल द एक्शन हीरोज जो टेलीविजन पर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट होगा कि इनविजिबल हीरो आया है. सी, अगर मैं कहूँ कि हाँ मतलब कॉम्पिटिशन करेंगे, या इट्स ऑल अबाउट द स्केल ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू शो एंड मेक इट, बट ऑफ कोर्स वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एटलीस्ट यू नो मेक दैट मार्क वेयर पीपल शुड स्टार्ट कंपेयरिंग, और यू नो लाइक पीपल शुड जस्ट से कि ओके नाउ दिस इज अ शो दैट कैन यू नो गिव कॉम्पिटिशन टू द टू सच लेवल ऑफ यू नो मास्टर पीसेज दैट दे हैव मेड. मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह से ज्यादा रिलेटेबल एक सुपर हीरो को बना सके, क्योंकि एक बहुत ही अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट को उठा के हम बिलीवेबल बनाते हैं. फॉर मी ऑल द सुपर हीरो दैट जो मार्वल्स के हैं, डीसी के हैं, आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज 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 फैन ऑफ दोज कैरेक्टर्स, एंड नाउ प्लेइंग अ सुपर हीरो इज इट्स ऑल लाइक वेरी फॉर मी इट्स यू नो इट्स अनबिलीवेबल. सो ऑल द इंस्पिरेशंस आल्सो कमिंग आउट फ्रॉम ऑल दोज यू नो फिल्म्स मूवीज एंड थिंग्स, सो वी काइंड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट द बेस्ट वी कैन. Okay, talking about your character, you know, Veer है, एक जो guy next door है, and जब वो hero के mode में आते हैं, तो it's totally different. So कितना, you know, आपके लिए कितना exciting है ये दोनों characters को play करना? Is it difficult because दोनों characters totally opposite है? As an actor, as a person, I'm playing a superhero. मैं बहुत ही excited हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज को लेके. But as an actor, मैं और ज़्यादा excited हूँ, मैं और ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को एक बहुत ही challenging role play करने को मिल रहा है, जिसमें कि एक बंदा दो कैरेक्टर्स को यू नो एक तरह से प्रेजेंट करने वाला है. व्हाट इज कॉमन इज द रूट कि जो अच्छाई है जो वीर में है वही अच्छाई कहीं ना कहीं हीरो में भी आती है. और जो थोड़ा मोड़ा जो एक डिफरेंस होता है, जैसे वीर इज वेरी नाइस, वेरी शांत, बट वेरी लाइक लिटिल विटी एंड ज्यादा मस्ती खोर नहीं है, इज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड काइंड ऑफ फन लविंग गाय बट डजंट यू नो हार्म एनीबॉडी. But same time, hero is total opposite of that. He's very like wicked, quirky. He's very like you know, he spontaneous, and he will not give you a chance to even speak in front of him. Like, agar aapne Veer ke saath koi shaitani ki, to Veer might you know say ki koi baat nahi, jaane do. But if you do it with the hero, then you are doomed. So it's a very great combination also to play. So let's see how it goes. ओके, मैंने यू नो आपका प्रोमो देखा है, आपने बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारी आई मस्ट से, यू नो बाइक वाला जो सीक्वेंस है, सो इट सीम्स लाइक कि बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है. तो कितने यू नो प्रिपेयर्ड हुआ आप, बिकॉज एक्शन एक्शन के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन किए, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली वेरी टफ, तो आप खुद से ये सारे कर लिए? मेरे ख्याल से जिस लेवल पे हमने एक्शन को शूट किया है दिस शो के लिए, मतलब हमने शायद अभी जितनी अभी तक शूट हुई है उसमें मेरे ख्याल से
50% हमने एक्शन ही शूट किया है. लाइक आई एम रनिंग ऑन रोड्स, आई एम डूइंग स्केटिंग्स ऑन रोड. कई सी एक सीन है जहाँ पे हमने लेजिट रोड पे स्केटिंग किया है. और मतलब मैं खुद बहुत सरप्राइज था इस बात से कि मुझे स्केटिंग नहीं आती. मैंने मतलब लाइफ में कभी स्केटिंग को मतलब ऐसा मतलब प्रोफेशनली टच भी नहीं किया था. बचपन में एक दो बार ऐसे स्केट्स के ऊपर पैर रख के होता ना कि किसी और तो ला ट्राई करता हूँ वैसे वाला. और फिर तो मेरे लिए ऐसा था कि एक सीन आया जिसमें स्केटिंग करनी थी एंड दैट टू वो सिंगल व्हील वाली स्केटिंग. तो मैंने कहा देखते हैं. मैंने जैसे स्केट्स पहने मैं खड़ा हुआ तो मैं खड़ा हो गया. आई वाज आल्सो सरप्राइज कि मैं खड़ा कैसे हूँ. फिर वो हमने वो फिर एक सीन था जिसमें आई हैव टू होल्ड द कार एंड आई एम रनिंग बिहाइंड द कार होल्डिंग दैट. सो दैट स्टंट आई परफॉर्म्ड. सो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट. उसमें मैं गिरा भी एक दो बार, थोड़ी हल्की चोट भी आई, बट यू नो इट्स आई वाज सुपर एक्साइटेड टू डू इट सो आई डिड इट. और कई कई बहुत सारे हार्नेस के सीन्स होते हैं. वो बाइक वाला सीन जो था दैट इज ऑल्सो लाइक सुपर अमेजिंग बिकॉज आई वाज ऑन द बाइक एट अ वेरी good height. Yeah. It was like I think it was more than I don't have much knowledge about the height. I think it was more than 40 feet or 30 feet or more than 50 feet. So wahan bahut unchi crane aayi hui thi. Wahan pe main bike pe aise baitha hua and the bike is coming down. So that was also like a kind of very good experience I had doing those stunts. And talking about your costume, wo bhi bahut zyada cool lag raha hai because the hoodie on, it's a cool superhero. We have never seen that on at least on television, I can say. So, कितना difficult हो रहा है, कितना enjoy कर रहा है costume, because obviously stunt को costume में perform करना would be really tough for you because it's a long hoodie and everything. Yeah, but I think the costume of hero is very comfortable and I'm very lucky because अभी तक मैंने जो भी काम किया my costumes वो very you know like very difficult to you know wear and you know then perform your thing, but this the costume of hero is very comfortable, very very good. Like whenever I wear that you know hoodie on me, I always it automatically comes. The hero automatically comes into me, inside me. So I think yeah, like the costume factor यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अच्छा है. और जो हमारा hero है, he's also very wicked, he's very witty, he's very you know fun loving, he's very मस्ती को, you know, like मतलब वो ऐसा superhero नहीं कि जो मतलब एकदम serious रहता है. He's more like he's going to be like you know fun loving hero. Okay, if we talk about, you know, the VFX, usually it is really very, you know, appealing, बहुत ज़्यादा connect हो रहा है. तो कितनी चीज़ें आप लोग real में actually the spaceship and if we talk about that. So is it like के वो set पर आप लोगों ने, you know, create किया है or it is all visually the green screen use हुआ है? So उन तरह के, you know, shots में कितना? Space, जो भी graphic हुआ है, जो VFX हुआ है, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ है. मतलब मैं भी show को देखने के बाद I was also very surprised कि मतलब क्या बात है, like on TV like you're watching this great level of VFX. Secondly, we have tried to create most of it in reality also, like the spaceship. For the first time, when I went for the mock shoot, the producer made me saw that you know whole set. First thing I was like totally awestruck by seeing was the spaceship. Spaceship was amazing. Like it is amazingly designed. The you know the detailing, the doors are in reality they open automatically. There's like stairs. There's a whole you know a chair set up in the spaceship. Like when you enter over there, you look around. You're gonna feel that you are into a you know a UFO ke andar baithe hain. Okay, आपके लिए difficult हो रहा है because क्योंकि green screen होती है usually चीजें, तो you can't you know सब green green है, you just have to imagine and act in it. तो वो कैसे manage कर रहे हो आप? See, for an actor, it's all it's art of imagining a character and the surroundings. So the better we're going to imagine, the better we're going to you know act according to our imaginations. It's the better it's going to come out. So, and of course, our creatives or director, they give us such precise brief about all those things that you actually start to see you know all those things around you. Then while acting, I don't see there's a green screen around me. I always feel that there's something, this is in that there. So that's how like we process and work on it. Okay. You know, appreciate jitna bhi humne suna tha, because this role ke liye bahut se logon ko approach kiya gaya and there were many names that were coming out ki hero ye ho sakta hai, because the first trailer reveal hua tha, the face was not visible, nothing. तो आपको यू नो ये ऑफर हो गया रोल इतने ऑडिशंस के बाद में, हाउ लकी डू यू फील और क्या कुछ प्रोसेस रहा है आपके ऑडिशन का? फॉर दिस शो आई इनिशियली आई फेल्ट रियली अनलकी बिकॉज़ आई आल्सो गेव ऑडिशन फॉर इट एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन फ्रॉम माय हाउस ओनली एंड इट केम आउट इन न्यूज़ आल्सो एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई एम नॉट डूइंग दिस शो एंड द प्रोमो केम एंड ऑल. सो
I was a little feeling, but as an actor also, this happens with you, you know, it happens so many times with me, like lots of times there was a promo that has come and I am there and then, and I'm not there in the show and the show, you know, goes on. And, but then you move on, then you start doing new things and, you know, it's all a family of people that works together. Sometimes you get, sometimes you don't get. So for this show, what happened, I auditioned, I was not, you know, apt for the character for the initial time. And then whenever the promo used to come, I always to think, no, I want to do this. You know, like that desperation thi mere andar, you know. And I don't know, that thought, that particular thought was so strong that it, then this show that again came to me. And then I prepared, like gave my heart in the audition. I prepared for this like script, like the full, you know, focus and everything. I gave it, and then when it came to me, I was not aware that I'm going to audition again for the same show. So when I auditioned, I was not aware that I'm auditioning for this one. But then when I came to know, now I am doing the show, I was really happy. I was really feeling blessed. And ek hota na, when kisi cheez ko bahut hi zyada shiddat se chaho, to wo fir aapki taraf aati hai. Aur maine matlab kal hi main aisa film dekh raha tha aur maine realize kiya ki maine aaj se 4-5 mahine pehle hi likha tha apne memo mein ki that I want to do a show as a main lead and on a player hero. Like aise hi main lekha tha, on a player hero. And so kal main aise raat ko phone dekha, I was like, arre, so aisa bahut hi mere liye bahut hi surprising cheez hui wo. To matlab, so thank God, and I just want ki isi tarah matlab sabka pyar milta rahe bas. मैंने इंस्टाग्राम से देखा, यूर वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग, इवन फॉर के ये कैरेक्टर को यू ना जस्टिस देने के लिए आप आपके डाइट को फॉलो कर रहे हैं, एंड आई मस्ट से यू आर रियली वर्किंग आउट वेरी हार्ड, तो उस बारे में आप क्या कह रहे हैं? एक्चुअली ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज फॉर द फिल्म आई रियली बल्ट अप अ लॉट, एंड देन ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्टॉप, सो ऑल ऑफ द दैट केम एंड यू नो यहाँ पे आ गया सब, मतलब तो थोड़ा मतलब हम आई वाज लाइक टोटली वेंट आउट ऑफ शेप एंड देन ऑल दोस एक्रोबैट थिंग्स एंड स्पोर्टिव सब मतलब एक साल से छूट गया, तो वापस से आ नहीं रहा था. तो फॉर दिस शो आई एम प्लेइंग अ स्टंट मैन, सो आई हैड टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड आई जस्ट एंड आई एम लाइक दिस ओनली, लाइक व्हेनेवर आई डू अ रोल ऑफ यू नो कैरेक्टर, आई जस्ट वांट टू मेक इट मोर रियल एंड ऑथेंटिक फॉर द ऑडियंस. सो लाइक दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टर ऑल्सो. सो the minute I got to know about that I'm doing this show, I went, I started training into acrobats, parkour, kickboxing, and then so that I start, you know, flexible ho jaye body, so that I can, you know, look like a stunt. I should look like a stunt man. So, you know, all of those preparation went, to kafi chote bhi aayi beech mein thodi modi. Abhi bhi mere ko aise practice ke time pe thodi si chot aa gayi. Jab main practice kar raha tha, I was doing a front flip, I landed on my finger. So, abhi bhi choti hai thodi si. But this is all part of a journey and I'm just enjoying all of it. Okay, if you talk about, you know, Sony stuff, so already वहाँ पे दो heroes हैं. One is obviously your friend Dev Joshi as a Balbi, and obviously your brother Aladdin, you know, Siddharth. So कितना tough competition, एक positive tough competition देखने वाला. तो आप कितने excited इस competition के लिए, कहीं पे nervousness है? Because shows, ये जो जो shows हैं, वो पहले से चला आ रहे हैं. देखिए, अगर मैं as a Veer बात करूँ, तो जो mark, जो legacy Dev ने और Siddharth ने बना रखी है, उस लेगेसी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उस लेगेसी को टच भी करना, मतलब यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर सच ब्रिलियंट यू नो परफॉर्मर्स एंड एक्टर्स, एंड दे हैव मेड देयर ओन मार्क इनटू दिस इंडस्ट्री एट अनदर लेवल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लर्न, एंड ऑफकोर्स अब मैं उन दोनों से एज में बड़ा, बट स्टिल आई से कि आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एंड आई वुड डू माई बेस्ट एंड आई विल डू माई हार्ड वर्क, सो दैट एटलीस्ट आई विल, you know, somewhere I just stand in front of them ki I have done justice to my role, and we are all like a family, we are all like celebrate together, we all just, you know, have fun together. So we all just, you know, it's all about give and take, we always share our experiences and our flaws, our, you know, our good things and everything, so we always learn from each other, so of course that's going to help me a lot. Okay, I would really want to ask you, know, jab aapka promo aaya bahar, like the bike one, the jo promo aaya tha, so kitna excited Siddharth ka first reaction kya tha us promo ko dekhkar? Jo pehla promo aaya tha, to matlab actually hum log to matlab shuru se excited the, jab humne pehli bar hero ka promo dekha tha, tab mujhe pata bhi nahi tha ki ye show kaun karega, kya pehli bar jab humne isko Sony sab pe, we were watching Aladdin and humne wo promo dekha, wo animation, isme wo एक हुडी में बंदा आता है, वो सबका ऐसे लोगो निकाल के एनी प्लेस,
क्या चीज है, कितना अच्छा है, मतलब यू नो कोई लोगो ही निकाल ले रहा है, नो ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग, कितना फनी सुपर हीरो आने वाला है, और वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा होगा ये वो. बट देन व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम टू आवर डोर्स कि यार अरे हमको करने का एक मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी हुई. और फिर जब ये कंफर्म हुआ कि मैं कर रहा हूँ, तब तो मतलब और ज्यादा खुशी हुई. और जब जब उस हुडी में मैं दिखा तो सिद्धार्थ वॉज वेरी लाइक हिज आईज वर मॉइस्ट, ही वाज स्माइलिंग विद यू नो ही वाज टोटली, आई कैन सी दैट प्राउडनेस इन हिज आईज. सो या आई एम वेरी हैप्पी दैट ही रिएक्टेड इन अ वेरी जेनरस वे. That was me. Okay, Abhishek, you know, I would like to know, agar aapko invisible hone ka power mil jaye, because aap, you know, hero mein, you are going to save the world. So agar aapko real life mein mil jaye, to aap is world mein kya kuch changes karna chahoge? मेरे ख्याल से changes तो हो ही रहे हैं already world में. It's all कि मैं उनको शायद थोड़ा तेज करने की कोशिश करूंगा. बहुत सारे changes हैं जो थोड़ा और जल्दी हो जानी चाहिए. और गायब होके या आप रह के दिख के आप किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते हो. ज्यादा से ज्यादा आप किसी की मदद कर सकते हो. ज्यादा से ज्यादा आप यू नो अगर वो किसी मुसीबत में है और आप एक अनजान व्यक्ति की तरह उनकी मदद कर सकते हो. मेरे हिसाब से हर वो बंदा जो बिना बताए किसी की मदद कर देता है, वही इस एक तरह से शो का मतलब. मेरे ख्याल से मेरे अंदर जो चीज है कि मदद तभी कहलाती है जब आप बिना दिखे बिना सुने उसको कर दो. तो एज अ हीरो ऑल्सो अगर मैं गायब भी होकर मदद करना शुरू कर दूंगा तो शायद मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगा और सबका बस ऐसे ही इनडायरेक्टली आशीर्वाद लेना चाहूंगा. Okay, you know, I've, I've, you've said, ki aapka favorite hero kaun sa hai, you know, agar when it comes to superheroes, you know, jaise aapne kaha tha Marvel and DC, you are big fans, to unme se aapke favorite kaun se hai? Uh, the main bahut chota tha, tab I used to like Superman and Batman a lot, and then later, fir abhi recent times mein I just became a fan of Iron Man, of course, like everybody is a fan of Iron Man. I'm a fan of Deadpool, I'm a fan of Thor, I'm a fan of Hulk. I think I'm, I just love superhero, so I'm like, I just follow all the superhero movies, and, uh, matlab, it's like everybody loves them, so of course mere liye bhi wahi hai ki, and I'm, I'm also a fan and a follower of superhero films and all, so of course, like mere liye to, like, uh, recent favorite, I would say it's Iron Man. मेरे लिए इस अभी तक जो मैंने काम किया है, मेरे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल वही है कि जिस तरह से मैंने अपने आप को कभी भी इस तरह से इतने स्टंट्स करते हुए नहीं सोचा था. और मैंने अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू परफॉर्म सो मेनी स्टंट्स, सो मच ऑफ इट यू नो इन अ वे दैट लाइक आई वुड नेवर, आई हैव नॉट इमेजिनड सो मच. आई ओनली इमेजिन कि हाँ मैं जाऊंगा इतना उतना करूंगा, बट द वे आई एम डूइंग स्टंट्स इन दिस शो इज लाइक टोटली, इट्स इट्स व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट माय सेल्फ देयर. I want to thank me for that. Ki thank you for to my body ki usne mera itna support kiya that I'm not doing all of those things. Yes, like all those stunts that I've performed in reality are all, they're all like a memorable memory for me. Okay, lastly, anything you would like to tell your fans, your you know your viewers about the show and you? मैं अभी से वही बातें कह रहा हूँ कि हर कि कोई भी हीरो अपने फैंस और अपने सपोर्ट करने वालों की वजह से ही बनता है. तो प्लीज ये जो हमारा शो हीरो आ रहा है, इसको आपके ढेर सारे प्यार ढेर सारे सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है. तो आप प्लीज हमें ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और इस शो को फॉलो करें. और ऑफ कोर्स आपको पता ही है दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड ऑल ऑफ देम, ऑल द फैंस एंड एवरीवन दैट सपोर्ट्स मी, दैट लव्स मी, एंड द वंस हु डोंट दे वुड स्टार्ट लविंग मी ऑफ कोर्स. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू वॉच हीरो. Okay, thank you so much, Abhishek, for joining us. It was really lovely talking to you, and all the best for Hero Gayab Mode On.